हेलो गाइस गाइस, आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में आईएलओ। आईएलओ एक सर्वर का बहुत जबरदस्त फीचर होता है जिसके थ्रू हम घर बैठे या यू कहें कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी बैठे आप अपने सर्वर को रीस्टार्ट कर सकते हैं, सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके जितने भी फीचर्स हैं वो देख सकते हैं, सेट कर सकते हैं। आईएलओ इंटीग्रेटेड लाइट आउट इसका फुल फॉर्म होता है। ये हर किसी सर्वर में नहीं अवेलेबल होता है, ये जो एडवांस लेवल के सर्वर होते हैं वहां पे अवेलेबल होता है। आईएलओ फीचर आने का एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि कभी क्या होता है कि हमारा सर्वर सडनली शट डाउन हो जाता है और सपोज आपके ऑफिस में कोई पर्सन नहीं है, अब ऑन करने के लिए कैसे ऑन करें, कोई पर्सन होगा तभी उसको पुश करेगा, ऑन करेगा। अगर आपके पास आईएलओ है तो आप कहीं भी बैठे हैं अपने सर्वर को उसे स्टार्ट कर सकते हैं, पावर शट डाउन कर सकते हैं एज अ कंसोल। आईएलओ दोस्तों एक लैन पोर्ट होता है, जैसे कि आपका नेटवर्क पोर्ट होता है, नेटवर्क कार्ड होता है, जैसे कि सर्वर में 3, 4, 5, 6 ऐसे नेटवर्क कार्ड लगे होते हैं। इसके अलावा एक पोर्ट होता है जिसे आईएलओ बोलते हैं। आईएलओ का एक सेपरेट पोर्ट होता है जिसमें कि लैन केबल लगाते हैं और वहां पे हम आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं। उस आईपी के थ्रू हम सर्वर के वेब बेस्ड पे एक्सेस करते हैं और वहां से जो मर्जी करें वो कर सकते हैं। इवन रेड कॉन्फ़िगर करना है आपको, बायोस का पासवर्ड चेंज करना है, आईएलओ कॉन्फ़िगर करना है, या आपकी कोई भी सेटिंग देखनी है, कोई एरर्स चेक करना है सर्वर्स में, या उसे नोटिफिकेशन चेक करना है और नोटिफिकेशन सेट करना है, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन डू। तो दोस्तों मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आईएलओ की आईपी जब नया सर्वर आता है या कभी भी आईएलओ की आईपी सेट करनी है, उसका आज यूजर आईडी पासवर्ड सेट करना है तो वो कैसे करें और उसके थ्रू आईएलओ की आईपी के थ्रू हम सर्वर को एक्सेस कैसे करें, वो सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज मिलेगी यहाँ से। अगर आपने अभी भी आईटी सुनील चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, सर्वर से रिलेटेड, नेटवर्क से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेंगी जिसके थ्रू आप अपनी नॉलेज बूस्टअप कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आईएलओ क्या चीज है और इसको हम कैसे कॉन्फ़िगर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं। तो सबसे पहले हमने सर्वर रीस्टार्ट किया, तो आईएलओ कॉन्फ़िगर करने के लिए आप देख पा रहे होंगे आईएलओ की आईपी 192.168 समथिंग। तो अभी हम चेक करेंगे कि आईएलओ के अंदर जाकर उसे हम कैसे चेंज कर पाएंगे, उसकी आईपी और उसका यूजर नेम, पासवर्ड, तो ये सारा कुछ हम देखेंगे। तो जस्ट वेट। तो एचपी के जितने भी सर्वर्स हैं, एचपी के, आईबीएम के, या जितने भी सर्वर्स हैं जो हार्डवेयर हैं, जो फिजिकल सर्वर हैं, वो स्टार्ट होने में टाइम लगाते हैं, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें। प्रोसेस 90% 100%। नाउ यू कैन सी द आईएलओ आईपी एंड प्रेस F9 सिस्टम यूटिलिटी। देखिए F9 हमने प्रेस किया तो F9 हाईलाइट हो चुका है। अब हम बायोस के अंदर जाएंगे, सिस्टम यूटिलिटी के अंदर। दूसरा ऑप्शन है F10 का भी इंटेलिजेंट प्रोविजन के थ्रू भी कर सकते हैं, बट बेस्ट तो ये होता है कि सिस्टम यूटिलिटी के थ्रू करें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो अभी हम देखेंगे सिस्टम यूटिलिटी के थ्रू ही आईएलओ के आईडी पासवर्ड चेंज करके देखेंगे। अभी हम सिस्टम यूटिलिटी के थ्रू देखेंगे क्योंकि यहाँ से हम आईएलओ चेंज करने के बाद हम ग्राफिक्स में भी चेंज कर सकते हैं। F1 to continue।
अभी हम सिस्टम यूटिलिटी के अंदर आ चुके हैं, ऊपर देख पा रहे सिस्टम यूटिलिटी। ओके, तो हमें क्लिक करना है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, यहाँ पे iLO कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे यूजर नेम, तो यहाँ पे हमें यूजर नेम टाइप करना है, कौन सा आप iLO का यूजर नेम देना चाहते हैं। तो मैं एडमिन टाइप कर देता हूँ, एडमिन रखते हैं, ठीक है। और पासवर्ड में जो भी पासवर्ड आपको सेट करना है एडमिन का, वो पासवर्ड आप सेट कर देंगे, तो मैं पासवर्ड सेट कर दिया, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये DHCP इनेबल होता है, तो DHCP को हमें डिसेबल करके रखना होता है, हमें डिसेबल करना होता है, और हम मैनुअल IP पे ही काम करेंगे, राइट। तो DHCP को हम ऑफ करेंगे यहाँ पे, राइट। नीचे देख पा रहे होंगे हमारी IP है 192.168 समथिंग, सबनेट मास्क, गेटवे, जो भी है आपके कंपनी के एनवायरमेंट के अनुसार आप यहां पर सेट कर देंगे। एडवांस कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी में आप देख पा रहे होंगे, यहां से आप एक्स्ट्रा यूजर भी ऐड कर सकते हैं, आप एडमिन के अलावा और भी कोई यूजर है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। इसके बाद हमें F10 प्रेस करना होता है, F10 प्रेस करने के बाद हम सेव करके इससे बाहर निकलेंगे। F10 करने के बाद Y प्रेस करेंगे, चेंज सेव चेंज, फिर एस्केप बटन प्रेस करेंगे, एस्केप बटन प्रेस करके हम बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलने के बाद हम सर्वर को रिबूट करेंगे दोबारा से, प्रेस एंटर। अभी देखिए जो भी IP हमने दिया है, IP के थ्रू हम लॉग इन कर लिए हैं। आपको ब्राउजर पे जाना है, मोस्टली आई ही यूज करना है आपको, क्योंकि आई को प्रॉपर सपोर्ट करता है। यहाँ पे डालना है जो भी हमने एडमिन दिया हुआ है, यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड जो भी हमने सेट किया है, पासवर्ड डालेंगे। लॉग इन, तो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हैं, या इवन आप iLO की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ चेंज कर सकते हैं, iLO का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, या यूजर नेम या IP सब कुछ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इवन आप देख सकते हैं, यहाँ से रिमोट भी ले सकते हैं, जो भी आपका सिस्टम है। आप मान लीजिए बाहर कहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, और अपने सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हैं थ्रू द iLO, तो यू कैन एक्सेस फ्रॉम द एनीवेयर, अगर आप इंटरनेट कनेक्ट करके एक्सेस करना चाहते हैं। तो यहां से कुछ भी देख सकते हैं, हार्ड डिस्क की कैपेसिटी क्या है, वो उसके कुछ एरर्स हैं वो चेक कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन सी लुक लाइक, जैसे कि आप सर्वर पे काम कर रहे हैं, जो चीज सर्वर पे देख सकते हैं वो अब iLO के थ्रू देख सकते हैं। तो अब देख पा रहे हो सिस्टम इंफॉर्मेशन, iLO कॉन्फ़िगरेशन, राइट। यहां से IPv4 में जाकर आप चेंज कर सकते हैं IP, iLO की IP जो हमने BIOS से चेंज किया है वो उसको यहां से भी चेंज कर सकते हैं, राइट। तो एक तरह से आप सर्वर पे काम कर रहे हैं, फिजिकली जैसे काम करते हैं वैसे आप कनेक्ट कर चुके हैं। तो यहाँ से आप रिमोट भी कनेक्ट कर सकते हैं .NET फ्रेमवर्क डायरेक्शन के थ्रू, बट इसके लिए क्या है कि आपको लाइसेंस लेना होता है, iLO का लाइसेंस लेना होता है। तो अब ये कुछ समय के लिए तो आप कनेक्ट कर पाएंगे, बट वो डिसकनेक्ट कर देता है बार बार, राइट। तो आप ट्राई करेंगे iLO को कनेक्ट करने के लिए अपने सर्वर को, बट बेस्ट ये है कि आप इसके लाइसेंस लीजिए, फिर ये प्रॉपर कनेक्ट हो पाता है। तो कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं सर्वर को, देखिए वेरीफाई कर रहा है, ट्राई कर रहा है, वेट फॉर सम टाइम। थोड़ा सा टाइम लगता है, तो देख पा रहे होंगे कि कनेक्ट हो चुका है,
तो जो भी सर्वर पे चल रहा है वो दिख जाएगा आपको, ये बाय करने के लिए मैसेज आ गया, ठीक है। तो इस तरह आप आईएलओ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, आईएलओ के थ्रू आप एनीवेयर फ्रॉम एनीवेयर यू कैन कनेक्ट योर सर्वर। अगर आपका सर्वर पावर ऑन है तो आप कहीं से भी अपने सर्वर में लॉगिन कर सकते हैं थ्रू आईएलओ, और कुछ कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, इवन आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ओएस डाल सकते हैं, रिबूट कर सकते हैं, पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं, कुछ भी इसमें कर सकते हैं। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों ने यहां से कुछ सीखा होगा कि आईएलओ क्या चीज होती है, उसकी आईपी सेट कैसे कर सकते हैं, आईएलओ के थ्रू हम सर्वर को रिबूट कैसे कर पाएंगे या उसको एक्सेस कर पाएंगे, वहां पे कितनी एक्टिविटी कर पाएंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ऐसे ही सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस।